नमस्कार विवेक गुप्ता, और 9 जुलाई की सुबह में आपका स्वागत है। और दो तीन चीज़ें हैं तो मैं इकट्ठे अपडेट दे देता हूँ। एक तो फिर से वही कि जो 7 जुलाई को उड़ गया था कि बहुत सारे कॉलेजेस खुलने वाले हैं, और जिसकी वजह से फिर कन्फ्यूजन हो गया था, और फिर NTA को एक क्लारिफिकेशन रिलीज़ करनी पड़ी है, जो मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया, परसों वाली वीडियो में बताया था कि अभी कॉलेज पक्का मान्यता नहीं दी गई है। वो सिर्फ ये था कि उन्होंने फिर से नोटिस डाला अपनी NMC वेबसाइट पे कि भाई हमने इस 113 कॉलेजों को ईमेल डाल दिया, ठीक है। उस ईमेल में कितने कॉलेज को परमिशन मिली है, किसको नहीं मिली है, ये मुझे नहीं पता। और यही मैंने अपने वीडियो में भी कहा था कि हम एज ए टीम कोशिश करेंगे कि हमको पता चले कि कितने लोग हैं जिनको एक्चुअली मान्यता मिली है और कितने लोग हैं जिनको मान्यता नहीं मिली है। और जितनी हमारे पास ऑलरेडी खबरें आ गई हैं कि उसमें कई सरकारी कॉलेज हैं जिनको मान्यता नहीं मिली है, और कुछ एक प्राइवेट कॉलेज में जिनको मान्यता नहीं मिली है। तो एग्जैक्टली किनको मान्यता मिली है, ये जो अपडेट है ये आपको और 3-4 दिन में एक फाइनल कोशिश करूँगा मैं वीडियो बनाने की, कि अगले फ्राइडे तक या सैटरडे तक या मैक्सिमम अगले मंडे तक आपको जानकारी मिल जाए। और वैसे वो जानकारी ऑफिशियली NMC की वेबसाइट पे भी आ जाती है, NMC.org.in पे जाएंगे तो वहाँ लिखा होता है कि लिस्ट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस टीचिंग MBBS। बट ये तो ये क्लियर रखिए कि इन 113 को सबको मान्यता नहीं मिली है, और इसमें से काफ़ी हैं जिनको मान्यता, जैसा कि मैंने कहा, पक्का नहीं मिली है। कुछ प्राइवेट की भी खबरें आ रही हैं, कुछ सरकारी की भी आ रही हैं। और स्पेशली मैंने क्यों बताया आपको ये चीज़ कि कमाल की बात यह है कि वही जो क्या बताएं, हमारी कम्युनिटी के जो फ्रॉड एजेंट बंधु हैं उन्होंने ऑलरेडी फ़ोन करने शुरू कर दिए। मेरे पास भी एक फ़ोन आया हमारे करंट क्लाइंट का कि जोधपुर के एक कॉलेज में जी आपको कन्फर्म सीट दिला देंगे, वो भी कम बजट पे, जबकि उस कॉलेज को मान्यता मिली ही नहीं है, सोचिए। तो ये हालत है। तो ये तो अपडेट हो गया NMC को लेके। नीट एग्ज़ाम को लेके आई थिंक आप ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके होंगे, लेकिन सिर्फ 4 लाइन की समरी सुनाऊंगा, जो मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहता हूं, पेपर लीक हुआ है इसमें कोई शक की बात नहीं है। हिंदुस्तान में हर पेपर लीक होता है, सरकारी नौकरी के लिए, एग्ज़ाम के लिए, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। और सुन लीजिए, इसीलिए IIM जैसे इंस्टीट्यूट, IAS हमेशा इंटरव्यू लेते हैं लास्ट में, ताकि वो छटनी कर सके उन बच्चों की जो लीक पेपर करा के आगे आ गए हैं। और कोशिश तो बल्कि एजुकेशनिस्ट की ये थी कि हर कोर्स में इंटरव्यू आए, बट इंटरव्यू आता है तो सच्चाई की बात है कि इंडिया इज सच ए करप्ट कंट्री, इंटरव्यू होता है तो जो इंटरव्यू पैनल होता है उसको पैसे खिला के लोग अपना काम करवा लेते हैं, एग्ज़ाम ले सिर्फ तो पेपर लीक करा के करवा लेते हैं। हिंदुस्तान इतना बड़ा है, हर तरह के लोग हैं। पटना जैसे छोटे बिहार में जाएंगे, छोटे देहात गांव में जाएंगे, वहाँ के प्रिंसिपल लो, सरकारी कर्मचारी लो, 2 लाख 5 लाख में बिकने को तैयार हैं 10 लाख में। और वो सरकार या NTA के आखिर में, फिर से मैं कह रहा हूँ, मैं NTA या BJP गवर्नमेंट के बारे में नहीं कह रहा, कोई भी हिंदुस्तान की सरकार हो, अरे सरकार भी तो तभी चलेगी ना जब जनता और इंस्टीट्यूशन साथ दें। पर जहाँ लोग 5-10 लाख में बिकने को तैयार हैं, मैं सरकारी कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ, तो भाई फिर आप भी क्या करोगे। तो वो जो मेरी लाइफ एक्सपीरियंस रहा है, आउट सब होते हैं, और एज ए ह्यूमन, एज ए पर्सन, और मुझे पता है कि मेरे कई बहुत खुल के मैं बोल रहा हूँ, अक्सर मैं बोलता नहीं हूँ कि जब अब तो मैं 47 ईयर्स का होने वाला हूँ, पर जब मैं भी 25 साल का था, एग्जैक्ट 25 साल का, तभी OBC रिजर्वेशन आया था 1990 में, और तब मैं बिल्कुल 13-14 साल का था, ठीक। और खूब आगजनी हुई थी, खूब हुआ था दिल्ली में, एक लड़का था राजीव गोस्वामी जिसने अपने आप को आग लगा ली थी जनरल कैटेगरी का, और तब मैं भी बिल्कुल एक एग्जैक्ट 14 ईयर का था, समझ रहे, बिल्कुल एक जवान यूथ। और मेरा भी मन कर रहा था कि मैं गोली बंदूक लाठियाँ लेके पहुँच जाऊँ रोड पे, और चारों तरफ ये माहौल था कि सारा हक मार लिया जाएगा जनरल कैटेगरी का। फिर आप धीरे धीरे बड़े होते हो, धीरे धीरे आप वास्तविकता को समझते हो, और लेट बी पुट इट दिस वे, जो मैं अक्सर बोलना नहीं चाहता हूँ फिर भी बोल रहा हूँ आप लोगों की मदद करने के लिए, कि हमने ऐसे जनरल कैटेगरी हमने एक्सेप्ट किया कि SC ST रिजर्वेशन, OBC रिजर्वेशन इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और 100 में से अगर 60 सीटें, और अब तो 75 सीटें, मैंने आपको कैलकुलेशन बताई थी, जब OBC इतनी मेहनत कर रहे हैं कि टॉप में काफ़ी लोग OBC आ जाते हैं, तो अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी को तो अब 25% सीटें या 25% जॉब्स या 25% ही मिल रहा है आउट ऑफ 100, इन स्पाइट ऑफ बींग मेरिटोरियस। पर क्या करें,
क्या हम वहाँ पर जाके सब लड़ें? नहीं, आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस, सो इज़ द लीकेज एंड सो इज़ 2-5% सीटें, चाहे नौकरियों में हो चाहे एजुकेशन में हो, वो उन लोगों के पास चली जाएंगी, उन्हें हम रोक नहीं सकते। हाँ, पूरा और यही शायद सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, तभी मैंने कहानी सुनाई कि लीक हुआ है, उन्होंने ये पूछा है सरकार से भी, सीबीआई से भी, जो कि अगले 1-2 दिन में फैसला जाएगा, चाहे लार्ज स्केल पे है या ये वही 10-20-25 जगह पे था, कंट्रोल्ड था और कंट्रोल वाले आपने सारे पकड़ लिए। फिर भी मैं बोलूँगी, ये भी हो सकता है कि 500,000 बच्चे छूट जाएँ, जो जिनका ना सुप्रीम कोर्ट को पता चलेगा, ना सीबीआई को पता चलेगा, ना सरकार को पता चलेगा, और वो लोग सरकारी कॉलेजों में पहुंच जाएंगे, और वो जो 2-5 हज़ार लोग होंगे जो 60,000 में से 1,000 सीटें ले जाएंगे, विच इज़ 2%, जैसा कि मैंने कहा वो हर साल होता है, वो सिर्फ मेडिकल में नहीं होता, वो जेई में भी होता है, वो हर जगह होता है, लेट मी पुट इट दिस वे, जो भी इतने लार्ज स्केल के एग्ज़ाम में, यही मैं मान के चलता हूँ, यही मैं आपको कहने की बार बार कोशिश कर रहा था, और वही सीबीआई या जो भी होगा वो परसों तक फाइनल फैसला हो जाएगा तभी। अब पॉजिटिव बात यह है कि सारे काम बहुत फास्ट किए जा रहे हैं, अगली डेट 2 दिन बाद की दे दी गई है, ताकि ये जो मसला है ये मैक्सिमम मेरे ख्याल से थर्सडे, तभी सुप्रीम कोर्ट ने सारी पटिशन्स इकट्ठी कर दी, 2 दिन का समय दिया है, और मेरे ख्याल से कुछ भी कसर बच जाएगी तो फ्राइडे या मैक्सिमम मंडे तक वो उसको निपटा देंगे। तीसरा, लोगों को लग रहा है कि भाई क्या इसकी वजह से काउंसलिंग डिले हो रही है? नहीं, देखिए भाई, हिंदुस्तान में या कहीं पर भी अलग अलग कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशन है, सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, केंद्र सरकार एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी मिनिस्ट्रीज एक ऑर्गेनाइजेशन है, HRD मिनिस्ट्री लेट से, NTA एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, NMC एक अलग है, MCC एक है जो काउंसलिंग बॉडी है, जैसे काम है भाई नेशनल काउंसलिंग करवाना, और हर स्टेट्स में काउंसलिंग बॉडीज़ हैं। अब ये जो NMC ने ढीलापंथी करी है कॉलेज अप्रूव करने में, जिससे हमने वीडियो स्टार्ट किया, वही वजह है डिले की, क्योंकि आप जब स्टार्ट हुए तो 15 मई या उनके पास का डेडलाइन था, 15 जून तक का सॉरी, कि उनको अप्रूवल देने थे कॉलेजेस को, जो उन्होंने 15 से 30 जून या 2 जुलाई कर दी, तो वही वो जो फर्स्ट नोटिस है कि NMC ने फैसले कर दिए और शनिवार को कॉलेजेस को भी बता दिया है, और अब काउंसलिंग बॉडीज को भी बताएगी, क्योंकि MCC एक सॉफ्टवेयर है। अब अगर आपके 65 नए कॉलेज आने थे, लेट्स से उसमें से 50 को मान्यता मिल गई, 45 को मिल गई, तो उन 45 कॉलेजों की नाम, उनका ऑल इंडिया कोटा की सीट्स भी तो चढ़ेंगी ना MCC के सॉफ्टवेयर में, तो उनको भी 4 दिन चाहिए, वो कोई प्राइवेट गूगल फेसबुक तो है नहीं जो एक रात में चढ़ा देगा। तो ये जो समय लग रहा है इस हफ्ते का, वो बेस मतलब वो अपनी काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि काउंसलिंग लेट होने की एक वजह वो NMC का डिले है, जो उन्होंने कॉलेज को परमिशन देने में डिले कर दिया, और उसकी वजह से सारा ओवरऑल डिले हुआ है। तो मेरे ख्याल से वो भी तैयार हो जाएंगे अपने सॉफ्टवेयर को लेके बाय दिस वीकेंड 14-15 जुलाई, और सुप्रीम कोर्ट भी फाइनल फैसला कर देगा बाय 14-15 जुलाई, या नहीं नेक्स्ट डेट तो 13 जुलाई को है ही, तो 15 जुलाई को हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कि काउंसलिंग स्टार्ट होगी या रीटेस्ट होगा, तो वो उसका फाइनल फैसला हमको 15 जुलाई तक ही पता चल जाएगा। ओके, तो मैं जाम उसे अपना कंक्लूजन नहीं दे रहा, आई थिंक वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि लार्ज स्केल विच मीन्स सबके पास पहुँच गया, या 30% 20% बच्चों के पास पेपर पहुंच गया, 10% के पास भी पहुंच गया, 5% के पास भी पहुंच गया। अगर 23 लाख में से अगर ये साबित हो जाएगा कि 50-60 हज़ार बच्चों के पास पेपर पहुंच गया था, तो ज़रूर रीटेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर 2-2.5 हज़ार के पास पहुंचा जो पकड़े गए, और मैं फिर से कह रहा हूँ 1,000-1,500 का किसी को पता नहीं चलेगा, जो हर साल होता है, तो फिर रीटेस्ट नहीं होगा। ओके, कैसा लगे आपको ये व्यूज़, ताकि बाकी सबको भी सही जानकारी मिल जाए और वो अपडेटेड रहे कि क्या हो रहा है। डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर कीजिए इस वीडियो को, कॉपी करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने टेलीग्राम चैनल्स में, जहाँ भी आप करना चाहें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये सही जानकारी पहुँचे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, और हमसे संपर्क करना चाहें तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के। टेक केयर।